सो व्हाट्स अप गाइस, दिस साइड मिस्टर खान एंड वेलकम बैक विथ अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज मेरा है आखिरी दिन घर पे झांसी में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अब भोपाल बैक टू वर्क। एक हफ्ते से आया था छुट्टी पे, बकरीद का सेलिब्रेशन किया घर पे, इस वजह से घर पे रुका हुआ था, बट अब जा रहे हैं फाइनली भोपाल। और स्पेशल क्या है इस व्लॉग में, वो ये है कि लास्ट टाइम जब भी मैं आता था घर, तो कभी मतलब अदर ट्रेन्स लाइक गोंडवाना एक्सप्रेस और पतालकोट एक्सप्रेस या शताब्दी वगैरह, इनसे आता था। बट इस व्लॉग में स्पेशल ये रहेगा कि अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों से, क्योंकि मैं जा रहा हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस से। फर्स्ट टाइम मैंने इसमें रिज़र्व किया है सीट, और मैं अभी जस्ट आधे घंटे बाद यहाँ से मैं निकलूँगा घर से स्टेशन के लिए, और रात को 10 बजे मैं भी पहुँच जाऊँगा भोपाल। अप्रॉक्सली टाइमिंग यही है। सो वंदे भारत का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, तो अभी मैं निकलूँगा, आप लोगों को सारा ब्लॉग में शो करूँगा, ट्रेन के अंदर का इंटीरियर वगैरह, क्या स्पीड है, क्या सारी चीज़ें, वो मैं आपको बताऊँगा एक्सपीरियंस, है ना। तो बने रहे एंड तक, और फिलहाल चलते हैं। अब मैं रेडी वेडी हो जाऊँ, फिर रेडी होने के बाद आपसे मिलता हूँ, और फिर कहते हैं घर वालों को टाटा बाय बाय, और कल भोपाल को हाय बैक टू वर्क। एक हफ्ते से हूँ मैं ऑलमोस्ट, एक हफ्ता 10 दिन होने को आ रहा है मेरे को घर पे। सो मेरे को फाइनली कॉल भी बहुत सारे आ रहे हैं यार भोपाल से, मेरे ऑफिस से भी आ रहे हैं, मेरे दोस्तों के भी आ रहे हैं, तो वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अभी वंदे भारत एक्सप्रेस से अपन चलते हैं, और वहाँ का पूरा रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, तो वो भी मैं आपको एक नॉर्मल सा शॉर्ट शो करूँगा कि वहाँ का एक्सटीरियर कैसा है बाहर का। और भाई चलेंगे छोड़ने, ड्रॉप कर देंगे मेरे को। 7 o'clock टाइमिंग है इवनिंग ट्रेन का, रात को 10 बजे तक ट्रेन पहुँचा देगी। चलो अपन मिलते हैं ऑन द वे, सो बाय बाय। अब हो गए हम रेडी और रेडी टू गो, तो शोएब भाई भी हमें छोड़ने जा रहे हैं, जाए तो चलते हैं अपन। बाय बाय गाइज। मैं आ गया हूँ घर से बाहर, और अभी मैं हूँ ऑन द वे स्टेशन जा रहा हूँ, और भाई छोड़ने जा रहे हैं साथ में, शोएब भाई भी छोड़ने जा रहे हैं मेरे को। भैया आपका 200 रुपये होगा स्टेशन का। क्या है कि ये सामान बहुत भारी था, अरे मैं रगड़ा वाला हूँ बैग। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन वीरांगना लक्ष्मी झांसी स्टेशन, 5 बजे का डिपार्चर भोपाल, रात को 10 बजे। तो उसके नज़ारे में आपको दिखाऊंगा, तो बने रहे एंड तक। फोन रख लेता हूँ, नहीं तो फोन छीन लेगा मेरे हाथ। तो अभी हम आ गए हैं ब्रिज के ऊपर, और ब्रिज से जैसे भी मेरे को याद है कि लास्ट टाइम जब हम ब्रिज से उतरे थे, तो ब्रिज से राइट हैंड साइड में एक टर्न आता है, वहाँ पर है आई थिंक, क्योंकि झांसी का मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है गाइस, मैं मोस्टली भोपाल में रहा। आफ्टर ऑल झांसी इज ऑल्सो अ नाइस प्लेस। और फिलहाल मुझे अभी उड़ती उड़ती खबर आई है कि यहाँ पर सिपरी बाजार में आग लग गई है। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ अटल एकता पार्क साइड, इसका भी ब्लॉग है गाइस मेरे चैनल पे। ऑन द वे रास्ते में ही मिलता है बीच में, स्टेशन जाते समय आपको दिखेगा। गाइस ये है झांसी का DRM ऑफिस, अभी जैसा कि भाई ने बताया, हमें पता नहीं था, ये है झांसी का मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय। तो ये DRM ऑफिस है झांसी का, भोपाल का तो आपको पता ही है, साकेत नगर साइड है। सच अ नाइस प्लेस, झांसी भी वैसे अच्छी प्लेस है टूरिस्टों के लिए। और ये डांडी मार्च यात्रा हुए गांधी जी हमारे, इसका पूरा स्टैचूज बने हैं ये आप देख रहे हैं। सो फाइनली गाइज हम आ गए हैं झांसी स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन, ये जस्ट आपको सामने दिख रहा है। सो अब यहाँ भाई हमें ड्रॉप कर देंगे और अंदर हम जाएंगे। मैं आ गया हूँ वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन, और भैया छोड़ने आया था, शोएब छोड़ने आया था, तो अब इनको कहते हैं अपन बाय बाय और चलते हैं भोपाल, ये स्टेशन अपना, ठीक है। चलो फिर सामान दे दो, ऐसे कौन सामान देता भाई, चलो बाय।
चलो बाय बाय, बस बाय भाई, बाय, मिलते हैं फिर अब अगले महीने या जैसे भी प्लान बनेगा फिर आएंगे, है ना? ठीक है, बाय। तो देखते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं पहले कि कौन सी स्टेशन पे आ रही है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। सो गाइस, वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जो कि 7:03 का टाइमिंग बता रहा है, और हम जस्ट अभी एंटर किए हैं स्टेशन के अंदर। सो ये गाड़ी आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही है गाइस। ये पुल उपयोग हेतु नहीं है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये झांसी का स्टेशन है। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और ट्रेन को अभी आधा घंटा है आने के लिए, तो अभी हम वेट करते हैं उसका, और वंदे भारत एक्सप्रेस अनाउंसमेंट हो रहा है, सुन लेते हैं क्या रहता है। वेट करना है, आधे घंटे बाद ट्रेन है, 7:03 का टाइमिंग है, प्लेटफॉर्म 1 पे आ रही है, तो अभी हम प्लेटफॉर्म 1 पे ही हैं, वेट कर रहे हैं, तो अभी हम आपको दिखाएंगे जब ट्रेन आएगी। गर्मी है यार झांसी में, सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब देखते हैं भोपाल जाके भोपाल का क्या सिस्टम रहता है, क्या इन्वायरमेंट रहता है, यहाँ तो बहुत उमस हो रही है, देख रहे हैं आप कितनी गर्मी लग रही है, कुछ नहीं कर सकते। से आएगी ट्रेन गाइस वंदे भारत एक्सप्रेस, और उसके बाद देखते हैं यहाँ से जाइए 20170, वैसे शो तो करने लगा है ट्रेन का नंबर C9, C6 पे जाना है अपने को, चलो C6 पे चलते हैं, C6 आई थिंक इस साइड ही है। तो गाइस फाइनली 5 मिनट के अंदर ट्रेन आने वाली है, और मैं जा रहा हूँ अपने डिब्बे के सामने, C6 में लगने वाला है बोगी, तो C6 में अपना नंबर सीट का वहीं जाके बैठेंगे, चलते हैं, बस चल ही रहे हैं यार। C7 और उसके आगे है C6, अपना सीट नंबर है 40 विंडो साइड, तो मज़ा आने वाला है। गाइस वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई है, सामने से देखिए आप स्टेशन पर अराइव हो गई है, और अनाउंसमेंट भी हो गया, और सब लोग वेट कर रहे हैं आसपास के ट्रेन का, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है वैसे ट्रेन का एक्सटीरियर, और अंदर का एक्सपीरियंस तो मैं आपको शेयर करूंगा ही। सो नाउ वेट इज़ ओवर, हम आधे घंटे से वेट कर रहे थे, चलो फाइनली ट्रेन भी आ गई। पूरा मेट्रो जैसा सिस्टम है बाबा इसका, फुल मेट्रो, दिल्ली मेट्रो देखी है आपने, बस सेम मुझे तो वैसे ही लग रहा है। सभी लोग वेट कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, बहुत से लोग एक्सपीरियंस है, तो अंकल आपका भी फर्स्ट टाइम है ना वंदे भारत में, फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, तो गाइस अंकल भी जा रहे हैं भोपाल तक ही। ये आ गया है गाइस C6 का बोगी, और अब ये प्रेशर के साथ गेट ओपन होंगे, पहले सबको चढ़ जाते थे फिर आराम से अपन चढ़ेंगे। ये आ गया है यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस गेट, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन होता है, हर कोई नहीं कर सकता गाइस, ये गेट जस्ट लाइक मेट्रो ब्लिंक होता है तब ओपन होता है, ये देखिए अपने आप ओपन हुआ है, इनको निकल जाने देते हैं फिर अपन चलते हैं आराम से अंदर। सो गाइस अब आ गए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के, हम एंटर करते हैं गेट के साइड में, तो गेट के साइड में आपको थोड़ा सा किचन मिलेगा जिसमें ये खाने पीने का पूरा सिस्टम मेंटेन करते हैं, और उसके बाद सीधे सेटिंग, इसके जस्ट एंटर करने का गेट, और सीट नंबर 40 है हमारी, फुल टोटली एसी है, काफ़ी अच्छा लगा अंदर आके, ठंडक लग रही है, एयरप्लेन जैसा, जैसे लास्ट टाइम एयरलाइंस में गया था, सेम एज इट इज़। गाइस हम बैठ चुके हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर, और जस्ट 40 मिनट काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अंदर एसी है, पसीना देख रहे हो कितना ज़्यादा आ रहा है, रेस्ट कर।
गाइस अभी आए थे टीटी और उनको मैंने बता दिया 40 नंबर वो खड़े पीछे चेकिंग चल रहा है। ट्रेन चल रही है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। इसमें स्क्रीन भी लगी है, आपको स्पीड दिखाते हैं। आप यहाँ का टॉयलेट देखने आया था यार आपके पास, तो काफी अच्छा बनाया है इन्होंने। वैसे वहाँ अंदर आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, बट यहाँ पर काफ़ी ट्रेन का आवाज़ें आ रही हैं। सो देखते हैं बाहर, फिलहाल अच्छा है लॉकिंग सिस्टम। यहाँ पर कैमरे वगैरह सिस्टम सारा लगा हुआ है। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं भोपाल और रात के 10 बज रहे हैं और रवि को कॉल कर दिया है वो आ रहा पिक करने के लिए और ऑन टाइम पहुंचे हैं टाइम से पहले। सो दैट्स अ नाइस थिंग कि इस ट्रेन ने टाइम पे पहुंचाया वंदे भारत में। सच अ नाइस एक्सपीरियंस। अभी 10 बजे से पहले हम रानी कामलापति पहुँच जाएंगे। कोल काफ़ी साल बाद मिले हमारे चाचा के भैया। ये हमारे चाचा के फ्रेंड हैं, साकिर चाचा, जाकिर चाचा, नासिर चाचा, सबको जानते हैं। अभी पता चला मुझे, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिल करके। और नेक्स्ट टाइम जहाँ से जब भी आऊँगा मैं इनसे ज़रूर मीटअप करूँगा। तो ये हमारे आनंद भैया, अभी व्लॉग आएगा ऑफिस आएंगे खुला आने वाला है। क्या बोल रहे हैं सुन लो, रानी कमला स्टेशन पर पहुंचने वाली है। ये जो अपन गोवा गए थे गोवा एयरलाइंस वाली हरकतें कर रहे हैं ये लोग, सीट की पेटी बांध ले। हाँ गति इतनी ऊपर होने वाली है, इतनी स्पीड में चलने वाली है। सुन रहे आप लोग, चलो रानी कमलापति पहुंच चुके हैं। जस्ट आप तो रानी कमलापति का स्टेशन आपने देखा ही ऑलमोस्ट, वो तो भोपाल का डेली देखते हैं। चलते हैं अपन घर वापस, यहाँ से अपना सीन कंप्लीट पहुँच गए। चलो भाई भाई, ये है लगेज रखने के लिए जगह और सामान हमने ले लिया है। सो अब चल रहे हैं। सो गाइस चलो वंदे भारत को बाय बाय बोलते हैं और चलते हैं अब अपने वर्क प्लेस पे। अब जाएंगे हम रूम और करेंगे थोड़ा सा चिल आउट। हम जा रहे हैं बाहर। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे और अभी बज रहा है रात के 10 और करेक्ट टाइमिंग पे पहुंचा दिया ट्रेन। ब्रिज चढ़ रहे हैं, जस्ट अब जाएंगे घर, रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे और ब्लॉग को यहीं कंप्लीट करते हैं। एक्सपीरियंस आपसे मैं शेयर करूँगा अभी। सो मेरे इंस्टा और फेसबुक पे अकाउंट है द अनोन रोड 1977 करके, जाके चेक करो फॉलो करो। मिलते हैं कहीं नई ब्लॉग पे, नई जगह पे, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।